ये देखिए यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह हैं, सैलड्स और ये पाई, स्पिनच पाई। स्पिनच पाई इज माय फेवरेट। जानो जी, हाँ जी, हाउ मेनी इयर्स वाज दिस? 5000 इयर्स। कहाँ गया बुल? ये रहा, ये रहा, ये न्यू बुल। 5000 ईयर ओल्ड ट्री। रियली? वाह, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह बीच पे अलग ही मजा है। सो गाइस, टुडे इज गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट। वी आर गोइंग टू क्नोसोस, व्हिच इज द ओल्डेस्ट यूरोपियन सिटी। ओह, ओल्डेस्ट एवर। इट्स लाइक 5000 इयर्स ओल्ड, अराउंड द सेम टाइम एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। हैव सम ब्रेकफास्ट एंड देन सी सम हिस्ट्री। या सो यू नीड टू टेक ग्लव्स फॉर द बफे ब्रेकफास्ट एंड आल्सो द मास्क। हां जान, सीट ले ले फर्स्ट, जस्ट टेक दैट सीट फॉर आउटसाइड। सी, फाइंडिंग अ परफेक्ट सीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हां, वी फाउंड। हाँ जान, हो गई। आपको ब्रेकफास्ट दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। ये देखिए, ये यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह हैं, सैलड्स, ये चीज़, हैम, सब कुछ। देखते हैं सैंडी का ले रही है। सैंडी, व्हाट आर यू डूइंग? एग्स। शी जस्ट लाइक्स एग्स। एग्स, लॉट ऑफ मीट, मीट हियर। हियर इज दिस मोर हैम, पोर्क। दिस इज एग्स। Pretty basic breakfast, but I'll show you the Greek breakfast also. So ye dekhi, ye Greek breakfast. Fig spoon काफी खाते हैं ये लोग। Fig हो गई, tahini हो गई। तो ये tomato soup है, tomato, olives, और ये pie, spinach pie. Spinach pie is my favorite for sure. How's the breakfast? I'm spiegel eyes, very good. This is mine, guys. Plate भर लिए पूरी तरह से, as usual. दो तीन प्लेट भरूंगा ये मैं एंड देन जाएंगे पैलेस। चलो, ओ फ्रूट्स आल्सो फिनिश्ड, सब खत्म। चले जाना हूँ पैलेस देखना है। चलो, लेट्स गो एंड सी द पैलेस गाइस। चलो, ऑलराइट, वी आर एट द पैलेस नाउ। दिस इज द एंट्रेंस एंड द टिकट। द एंट्रेंस लाइन इज स्मॉल नाउ बिकॉज इट्स मॉर्निंग, सो ट्राई टू कम हियर इन द अर्ली मॉर्निंग गाइस। एंड वी टुक दिस ऑडियो गाइड, ऑडियो विजुअल गाइड। So let's see the palace with the guide. Chalo. Tiano ji. Haan ji. How many years was this old? 5000 years. Wow. And guys, there were like 18,000 people within the palace living there, and 100,000, 1,00,000 log rehte the around the city walls. So 5,000 saal pehle, and that's why this is considered as the oldest city in Europe. Wow. Itni badi city 5,000 saal pehle Europe mein nahi thi. But it's a palace. It's for also for common people. Yeah, it was a big palace. It's not just a palace. Palace is what you see inside. Right now we are outside. Ah. Entrance of the palace. Yeah. Okay, and this is like the city was built. Yeah, you can see they were pillars. Yeah. Oh yeah, this was the central courtyard. But यहाँ पे ये लोग bull fight करते थे। दिखाता हूँ तुम्हें bull fight। ये देखो। ये बुल फाइट। कहाँ गया बुल? ये रहा ये न्यू बुल एंड ये का ये रहा ओल्ड बुल। दिस इज हाउ इट यूज्ड टू लुक। इट्स नाउ लुकिंग द कोर्टयार्ड, सी, एंड एक्चुअली इट वाज लाइक दिस। वाह, इंटरेस्टिंग, राइट? ये कमाल है। What was I saying? Just imagine, there were people standing here 5,000 years ago and having some conversations. They would have plotting some, What kind of conversation they would have? Probably they are talking about. It's hot today. Or what to eat? Ah, yeah, what to eat today? Rice. They don't have rice. No. I guess that's choices. Oh, I think they talk about can we eat today or not. Well. I think today we live in a privileged world. Oh. One more fresco. This is a prince and the lilies. See, I'll show you how it looked before. Now it looks like this, and before it looked like this. क्या सबसे खास बात है इस पैलेस की, वो है कि यहाँ पे 5000 साल पुराना थ्रोन इंटैक्ट मिला था।
तो ये देखिए यहाँ पे लाइन है उस थ्रोन रूम में जाने के लिए। तो बेसिकली राजा की गद्दी जो होती है वो देखने के लिए इंटैक्ट गद्दी मिली थी, तो इसलिए रेप्लिका उसका एकदम एग्जैक्ट है। यहाँ पे 5000 साल पहले भी राजा गद्दी पे बैठते थे, थ्रोन पे। गेम ऑफ थ्रोन्स वहाँ भी होता हुआ। अजन, गेम ऑफ थ्रोन्स? Not a Game of Thrones person. नहीं, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है क्योंकि हम सुबह आ गए। दिस वॉज द थ्रोन रूम, देखिए ये थ्रोन छोटा सा ये, बट दिस इज फाउंड इंटैक्ट एक्जैक्टली। तो यहाँ पे किंग बैठता था एंड रिचुअल्स करता था। और ये यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये वाटर है, यहाँ पे पानी होता था, तो देयर यूज्ड टू बी रिचुअल्स एंड अदर इवेंट्स। स्मॉल है किंग साइज, किंग का रूम, लेकिन 5000 साल पहले था, तो यू शुड ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड दिस वॉज ब्रॉन्ज एज, स्टोन एज टाइम्स, सो दिस इज वेरी इम्प्रेसिव। ये देखिए, और ऐसा दिखता था एक्चुअल में। वैसे दिस इज द मेन फोटो ऑफ द पैलेस दैट यू विल सी एवरीवेयर, वेरी नाइस रिकंस्ट्रक्शन, एंड द होल पैलेस वॉज लाइक दिस विद द कॉलम्स थे, और ऊपर से सारे की सारी छतें थी, छतें सारी टूट गई हैं एज एक्सपेक्टेड इन 5000 ईयर्स, बट यू कैन सी दीज वर द फाउंडेशन, वॉल फाउंडेशन, और इसमें कॉलम्स थे, और ऐसा दिखता था ये। दिस इज अ रीस्टोर्ड पार्ट ऑफ द पैलेस, प्रीटी इंप्रेसिव। हां, जानसी ऑलिव्स, यंग ऑलिव्स, 5000 ईयर ओल्ड ट्री। रियली? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इज यंग ऑलिव्स, बेबी ऑलिव्स? बेबी ऑलिव हो गई। Guys, this is it, small tour of the Europe's oldest city and the Minyan civilization. It's not the Minyans, you know, it's Minyan, the old Minyan civilization. I think it's 5,000 years old, so it's very impressive they built all this 5,000 years ago. But it's not that impressive as, you know, the Egypt, as the Pharaoh, as the Egyptian civilization, pyramids and all. Of course, that's next level. They also were 5,000 years ago. But for Europe, this was the biggest city they had at that time. Biggest city? Yeah. Biggest city of Europe, yes. Oh. Phalos. Phalos. Were they also eating moussaka? Moussaka? What's moussaka? You know, the Greek food, the aubergine, eggplants, the thing we had in Hania. Abo? पता नहीं, इसके दिमाग में खाना चलता रहता है। She always keep thinking of food. I wonder how were they, is the, you know, same food that we're eating. Yeah, we can never tell. We only know it from the paintings, the structures, but how can you tell the food they ate? Right? Maybe there was some recipe written down somewhere. I don't know. Yeah, must be many recipes lost. Yeah. But olives were since then. Yeah, olive oil was their main industry. Alright guys, this was a different kind of a video, a bit tour of history. Hope you enjoyed it. If you have watched till now, like, comment and subscribe, of course. Have a nice day. Ciao, bye. Bye.